हेलो फ्रेंड, आज हम करूंदे के अचार बनाएंगे। ये अचार को आप 5 साल तक रख के खा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके लिए हमने 250 ग्राम करूंदे ली है। करूंदे को हम धो लेंगे। तो फ्रेंड, करूंदे कच्चे आम के जैसे खट्टे होते हैं, तो इसका अचार और सब्जियां भी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इस करूंदे को हम पानी से धो लेंगे ताकि जो भी धूल मिट्टी होगा वो साफ हो जाएगा। अब इसे छन्नी में छान लेंगे, और इसलिए छान रहे ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा, एक्स्ट्रा पानी होगा, वो जल्दी से निकल जाएगा, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होगा। अब इसे एक टॉवल में पोंछ लेंगे, जो भी बचा खुचा पानी होगा वो सूख जाएगा। तो इस तरीके से रगड़ रगड़ के पोंछ लेंगे। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, इसके पीछे डंडियाँ भी होते हैं, तो उसे हम तोड़ के साफ कर लेंगे। तो इसे इस प्लेट में निकालने के बाद मैं इसका डंडियां तोड़ लूंगी। तोड़ने के बाद एक चाकू के सहायता से इसे बीच से चीरा लगाएंगे। बस 2 ही टुकड़े में काटना होता है। तो सारे डंडियां को तोड़ के साफ कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे करूंदे को काट के रख लेंगे। फ्रेंड, इसका अचार बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट से बन भी जाते हैं। अगर आपको अचार ज़्यादा दिन तक रखना है तो आप धूप में सुखा के बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेगा और ज़्यादा दिन तक चल सकता है, 5 से 6 साल तक। तो इसे काटने के बाद 1 से 1.5 घंटा धूप में रखें। तो सारे करुंदे को काट के रख लेंगे और 1 से 1.5 घंटा धूप दिखा देंगे ताकि जो भी पानी होगा वो सूख जाएगा। तो मैं थोड़ी देर ही धूप में लगाई थी क्योंकि हमारे करुंदे थोड़ी सी है तो जल्दी अचार ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आपके ज़्यादा करुंदे हैं, 1-1.5 किलो एक बना रहे हैं, तो 1 से 1.5 घंटा धूप लगाएं। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में सरसों का तेल ली है 3 से 4 चम्मच, और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। 1/4 चम्मच हींग डालेंगे। हींग को तार रखने देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और हींग को मिक्स कर लेंगे ताकि तेल में सारे जगह मिक्स हो जाए। तो हमने यहाँ पे हींग और तेल को मिक्स कर लिया है। अब इसमें सूखी मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच धनिया पाउडर ली है, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च है, और यहाँ पे सौंफ, अजवाइन, कलौंजी, मेथी, ये सब का पाउडर है जो कि हमने बराबर क्वांटिटी में ली है। तो यहाँ पे मैं 3 से 4 चम्मच डाल लूँगी। अगर आप ज़्यादा करुंदे के अचार बना रहे हैं तो आप मसाला ज़्यादा डालें। 1 किलो करुंदे में आप 100-100 ग्राम सारे मसाला डाल सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी अचार बनेंगे। तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद हमने सूखी मसाला को मिक्स कर लिया। सूखी मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब एक बर्तन लेंगे, स्टील या कांच या तो मिट्टी का लेंगे, इसमें करुंदे को रख लेंगे। खुली बर्तन होनी चाहिए। अब इसमें ये मसाला डाल लेंगे जो कि हमने तेल में मिक्स किया था। तो फ्रेंड, अचार में तेल गरम करके ही डालेंगे, अच्छे से उबाल के ठंडा होने के बाद ही डालेंगे। गरम गरम ना डालें, अगर गरम गरम डालेंगे तो पानी छोड़ देगा। अब इसमें नमक डाल लेंगे। तो नमक टेस्ट के अनुसार से थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे। अचार में थोड़ा सा नमक ज़्यादा होता है तो अचार खराब नहीं होते हैं। अब इस नमक को मिक्स करके 6 से 7 दिन तक धूप में रखेंगे, सफ़ेद कपड़ा बांध के। इसके बाद आप कोई भी कंटेनर में एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा दिन चलेगा ये अचार, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। 5 साल तक इस अचार को आप रख के खा सकते हैं। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, अभी से ही आप तुरंत भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड, आप कुक विद इंडियन टेस्ट को फेसबुक पेज पे भी लाइक और फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।